आज हेल्दी सैलेड सीरीज का चौथा दिन है। इसमें हम जुकीनी और ब्रोकली का सैलेड बना रहे हैं। आप जुकीनी और ब्रोकली की जगह घिया और फूलगोभी भी यूज कर सकते हैं। इसको हल्का सा तेल से मैरिनेट करके ओवन रोस्ट करेंगे। आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे पे भी ऐसे शैलो कर सकते हैं रोस्ट। हल्का हल्का डालना है सब चीज। इस तरह से इसको 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ओवन में रख देंगे। 10 मिनट में ये एकदम रोस्ट हो जाएगा, स्मोकी इफेक्ट आएगा। इस तरह से हमारा ये जुकीनी और ब्रोकली तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने थोड़े से गार्लिक रोस्ट करके रखे हैं, ये डालूंगी। फिर ये एक आवाकाडो काट के डालूंगी स्लाइसेस। इस तरह से मैंने ये आवाकाडो लगा लिए है। इसमें जुकीनी और ब्रोकली के साथ में आवाकाडो बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। अब इसके ऊपर मैं नींबू का जूस डालूंगी। ये एक नींबू का जूस है। इसमें थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। और ये मैंने बादाम के स्लाइसेस काट के रखे हैं, सैलेड्स के साथ में ये अच्छे लगते हैं। इस तरह से आज का हमारा ये सैलेड तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी है और यम्मी है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए। यह हमारे हेल्दी सैलेड सीरीज़ का एक और हिस्सा है।